बहुत पहले की बात है। गांव में एक किसान का पड़ोसी था जो पेशे से शिकारी था। उसके पास बड़े खतरनाक कुत्ते थे। वो बार बार पड़ोस की दीवार कूदकर किसान की बकरी और उनके मेमनों को परेशान करता था। किसान ने अपने पड़ोसी से गुजारिश की कि वह अपने कुत्तों को संभाल कर नियंत्रण में रखे, लेकिन उसने एक न सुनी। एक दिन कुत्तों ने फिर से बाढ़ से छलांग लगाकर कई मेमनों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसान काफी परेशान हो गया और उसने गांव के मुखिया से सलाह ली, जिसने पूरी बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं शिकारी को दंडित कर सकता हूँ और उसे अपने कुत्तों को जंजीर से बांधने या उन्हें बंद करने का निर्देश भी दे सकता हूँ, लेकिन यह करके आप दुश्मनी मोल ले लोगे। आपको अपने पड़ोसी में एक दोस्त चाहिए या दुश्मन? किसान ने सर खुजाते हुए जवाब दिया, मुझे तो दोस्त ही चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ जो तुम्हारे मेमनों को सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे पड़ोसी को दोस्त बनाए रखेगा। मुखिया का समाधान सुनकर किसान सहमत हो गया। घर पहुंचते ही किसान ने मुखिया के सुझाव पर अमल किया और उसने अपने तीन सबसे अच्छे मेमनों को पड़ोसी के बेटों को तोहफे में दे दिए। वे बच्चे खुशी से झूम उठे और उनके साथ खेलने लगे। अपने बेटों की मेमनों की रक्षा के लिए शिकारी ने अपने कुत्तों के लिए एक मजबूत घर बनाकर उसमें उन्हें बांध दिया। उस दिन के बाद कुत्तों ने फिर कभी किसान के मेमनों को परेशान नहीं किया। किसान के तोहफे के साथ अपने बच्चों की खुशी को देखकर शिकारी पड़ोसी ने किसान को अपना आभार व्यक्त किया। शिकारी भी उससे अक्सर तोहफे भेजने लगा और वह दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। वो कहते हैं ना, प्यार और दोस्ती से किसी का भी दिल जीता जा सकता है।